रायपुर से आ रही बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बलौदाबाजार, राजनांदगांव और कबीर धाम दौरा है। जानकारी मिल रही है, विकास यात्रा के तहत सीएम डॉक्टर रमन सिंह का ये दौरा है। बलौदाबाजार में के लवन गांव, राजनांदगांव के छुई खदान और कबीर धाम के सहसपुर लोहारा में ये आम सभा को संबोधित करेंगे। 737 करोड़ के विकास कार्यो, वहीं 343 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। तो हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत हजारों की संख्या में लोगों को अनुदान सामग्री मिलेगी, साथ ही चेक आदि का भी वितरण किया जाएगा। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बलौदाबाजार, राजनांदगांव और कबीर धाम दौरा। आपको बता दें, विकास यात्रा के तहत सीएम डॉक्टर रमन सिंह का ये दौरा है। 737 करोड़ रुपए के 343 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत हजारों की संख्या में लोगों को अनुदान सामग्री मिलेगी, इसके साथ ही चेक आदि का वितरण भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो चीफ मोहित साहू जुड़ चुके हैं। जी मोहित जी, सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बलौदाबाजार, राजनांदगांव और कबीरधाम दौरा, क्या कुछ जानकारी? करिश्मा बताना चाहूंगा, डॉक्टर रमन सिंह की विकास यात्रा आज 3 जिलों में होगी और सबसे पहले आज 11 बजे यहाँ से लवन निकलेंगे जो जिला बलौदाबाजार पड़ता है, उसके बाद राजनांदगांव, छुई खदान, सहसपुर, लोहारा, कबीरधाम, तीनों जिलों के दौरे पर रहेंगे और तीनों जगहों पर आम सभा संबोधित करेंगे। लगभग 737 करोड़ रुपए के 343 निर्माण कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। जी, इसके अलावा जी मोहित जी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की, चूंकि जो विकास यात्रा है वो पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर ली जाती है, जो जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं, SP होते हैं, उन्हें तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी ताकीद की जा चुकी रहती है और तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कर दी जाती है, क्योंकि रोड शो होता है, इसलिए जो है सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए मुख्यालय से भी काफी संख्या में पुलिस बल है वो जाती है और जिले में जो पुलिस बल होते हैं वो पूरे सुरक्षा व्यवस्था में लगे होते हैं। जी, और मोहित जी, बड़ी संख्या में लोगों को अनुदान सामग्री मिलेगी, साथ ही चेक आदि का वितरण भी किया जाएगा। निश्चित रूप से, जैसे मैं बताना चाहूंगा, जो तीनों जिलों में जहां पर डॉक्टर रमन सिंह जाएंगे वहां पर लगभग बड़ी संख्या में, लगभग जो हितग्राही मूलक जो योजना है उसके तहत हजारों की संख्या में जो लोग हैं उन्हें अनुदान सामग्री, चेक भी वितरण किया जाएगा और सरकार की जो आम सभा में जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उस पर आधारित विकास कार्य की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तमाम जो बड़े जो काम है वो उसकी जो है रूपरेखा भी तैयार की जाएगी, तो तमाम जो चीजें होती है अनुदान और क्या चीज, तो उसकी भी अप्रूवल वहां पर तत्काल जो दिए जाता है। इसलिए इस तरह का जो जो विकास यात्रा है, रमन सिंह की जो रथ है वो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।